देखो, तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, क्यों किया, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम तेजस की ज़िंदगी में आए। इस बात के लिए वैसे मैं सिर्फ तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराती, तेजस भी एक्चुअली उतना ही गिल्टी है। तुम इसकी हकदार हो तो नहीं, पर फिर भी दे रही 50 लाख का चेक और तेजस की जिंदगी से दफा हो जाओ। वैसे भी अब इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ रहा तो है नहीं, रिश्ते तो पहले ही गंवा चुकी हो। ओके, देखो तुम भी एक औरत हो और मैं भी, इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूं। ये लो लो और चली जाओ तेजस की जिंदगी से। मैं ये, मुझे तेजस से बात करनी है। वो नहीं करेगा बात, चेक कर लो। आइए मैडम, देखिए आपके बजट का घर है ये। पूरे इलाके में ऐसा घर मिलेगा नहीं, जिसका था ना वो बहुत सस्ते में छोड़ के चला गया। आप लकी हो मैडम। हाँ आ रहा हूँ। हेलो, सब कुछ हो गया और तूने मुझसे डिस्कस ही नहीं किया। काश तूने फैसला थोड़ा सोच समझ के लिया होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती। देख, अब जो होना था उससे कोई बदल नहीं सकता, तो ऐसे हिम्मत मत हार, जिंदगी अभी बाकी है। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जा दिल्ली। वैसे भी वहां रहेगी तो तेरा दम घुटता रहेगा। ओए, मैं कुछ बोल रही हूँ तो सुन रही है ना? मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। अच्छा चल, ख्याल रखियो। I'm sorry, Nan. प्यार करता हूं तुमसे, इसमें कोई शक नहीं है। There's no second thought about it. Thank you.
यार मैं क्या सोच रहा हूँ, नए कस्टमर केयर की लोकेशन सनासर झील के पास वाला जो लैंड है वहाँ पर फाइनल करते हैं। पहाड़ों के बीच लोकेशन अच्छी है, नेचर में रहेंगे। वो सही रहेगा। हाँ एक बात याद आई, तुमने कहा था मार्क से बात कर लेना ऐप की अपडेशन के लिए। होपफुली एक दो वीक लग जाएंगे। ठीक है तुम ईशा को स्कूल ड्रॉप कर दे। हद है यार, एक हफ्ते से मैं ही ले जा रहा हूँ, एक बार तो चला जा। अरे यार मीटिंग है पता ना तुझे, अब जाओ चाचू के साथ। चल तेरा बाप बहुत नौटंकियाँ करता है, चल तुझे स्कूल छोड़ के आऊँ। हाँ यश ओके। मीशा स्कूल मनीषा, I'm sorry। क्या क्या मुझे पता नहीं मैं कैसे क्या कहूं, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? दो थप्पड़ मारते रोक लेते, लेकिन तुमने शिकायत तक नहीं की। शिकायत अपनों से की जाती है, गैरों से क्या गिला करना। मैं मानती हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर एक मौका दे दो, हम तीनों साथ में रहेंगे खुशी खुशी, तुम मैं मीशा परिवार बन के रहेंगे। और नैना कितना आसान है ये कहना कि तुम्हें माफ कर दूं, एक मौका दे दूं, और आज मीशा भी याद आ गई। I'm sorry मैं तुमसे इस टोन में बात कर रहा हूं, पर आज दिल कह रहा है। यार ऐसा क्यों होता है कि जब किसी दगाबाज के साथ दगा होता है तो वो अपने पुराने वफादार को याद करता है। मुझे याद है जब मैंने तुमसे शादी की थी, मुझे ऐसा लगा था पूरी दुनिया मुकम्मल हो गई, क्योंकि तुम ही तो थी मेरी पूरी दुनिया। फिर मीशा हमारी जिंदगी में आई, हमारी परछाई बन गई, पर तुमने क्या किया? अपनी परछाई को भी पीछे छोड़ दिया, एक बार उसके बारे में भी नहीं सोचा। मैंने देखा है उसे मुझसे लिपट के रोती थी, और जब रोती थी ना तुम्हें बद्दुआएं देता था मैं, फिर मैंने तुम्हें बद्दुआएं देना भी छोड़ दिया, और मेरा तुमसे वो जो रिश्ता था ना बद्दुआओं का, वो भी खत्म हो गया। शुरू शुरू में ना इस दिल में दर्द होता था, तकलीफ होती थी, कुछ ऐसे भारीपन जैसा लगता था, ऐसा लगता था ये दिल भी मेरा साथ छोड़ देगा। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई इमोशन कुछ नहीं है मेरे अंदर। मैं छूना मत मुझे, वो हक तुम खो चुके हो। फिर किस चीज के लिए, किस चीज के लिए छोड़ा था मुझे? थोड़ा सा भी सब्र नहीं किया? जिस चीज के लिए छोड़ा था वो सब है आज मेरे पास। तुमने अपने साथ क्या किया? एक ऐसी उड़ान भरी जिसमें तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन चली गई और सर से आसमान।
और ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, जिंदगी भर करता रहूँगा, मगर इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं मुड़ के तुम्हारे पास आऊँगा। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूँ, तुम्हें अपना लूँ, तुम मुझे अपनाने के लिए बोल रहे हो ना, तुम खुद पूछो, अपने दिल से पूछो, खुद जो तुम मांग रही हो वो तुम डिजर्व करती हो।